अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे हरियाणा के नूह की। नूह हिंसा के बाद सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए नूह एसपी वरुण सिंघला को हटा दिया है और नूह में सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था। इसके बाद ये यात्रा, आपको बताते चले कि इसमें तमाम पत्थरबाजी हुई थी जिसमें तमाम लोग घायल हुए थे और करीब 5 लोगों की मौत की भी खबर है। ये हिंसा 2 समुदायों के बीच में बदल गई थी। हरियाणा में हुई हिंसा के आरोप पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है और अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई हैं। 186 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अकेले नू में आपको बताते चले कि 46 FIR दर्ज की गई हैं और बताते चले कि इन सब के बीच अब वरुण सिंघला को भिवानी का नया एसपी बनाया गया है और वो पहले नू के एसपी थे। हरियाणा के मेवात नू में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुली है और पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नू में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इनका इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में शामिल पाए गए हैं और ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया है। हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और बता दो चले कि 176 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। अकेले नू में 46 FIR दर्ज की गई हैं। सोमवार को नू में निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद ही 2 समुदायों में हिंसा फैल गई थी और नू के अलावा फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, पलवल में 18, रेवाड़ी में 3 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए 2300 वीडियो की पहचान की है। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियो ने हिंसा को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इसी बीच शामली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा के नू में हिंसा के बाद शामली में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हरियाणा से सटे कैराना इलाके में आपको बता दो चले कि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और यहां पर पेट्रोलिंग जो है वो तेज हो गई है पुलिस की। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पैदल गश्त करते हुए यहां पर पुलिस के तमाम जवान देखे जा सकते हैं। अभिषेक ने जिले में जारी किया है अलर्ट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कैराना में एसएसपी ने फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला है। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पीएसी बल तैनात किया गया है। शामली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको देखते हुए अब अलर्ट जो है वो शामली में जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर पीएसी बल तैनात किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भोजीपुरा इलाके के गांव रूपपुर में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने बीते गुरुवार सुबह गांव रूपपुर में स्थित अवैध मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया है। जानकारी के अनुसार ये मदरसा सरकारी जमीन पर यह बनाया गया था अवैध तरीके से और काफी दिनों से चल रहा था, जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई है। बता दें कि भोजीपुरा इलाके के गांव रूपपुर में 5 साल में ये मदरसे जो है वो संचालित किया जा रहा था लगातार और किसी ने प्रशासन से इसकी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मदरसे पर ये कार्रवाई की गई है। पहले इस मदरसे को नोटिस दिया गया था और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर से ये मदरसा जो है वो जमींदोज कर दिया गया है।